गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम एनसीईआरटी का एग्जांपल वन करें। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रॉब्लम में हमसे क्या कहा जा रहा है? इस प्रॉब्लम में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, किसका? सर्किल का, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो आइए हम सोल्यूशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो एरिया क्या होगा? किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। दैट मीन्स हमें dA by dr निकालना है। तो dA by dr इज इक्वल्स टू d by dr ऑफ पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो पाई तो कांस्टेंट है तो ये बाहर चला आएगा और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r। दैट मीन्स dA by dr इज इक्वल टू 2πr। dA by dr इज इक्वल टू 2πr। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें रेट ऑफ चेंज कब निकालना है? व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें dA by dr एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो dA by dr एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पे r इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे तो 2 इंटू पाई इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 पाई। तो हमारा dA by dr एट r इज इक्वल टू 5 कितना आया? 10 पाई। दैट मीन्स वी कैन से दैट द एरिया ऑफ द सर्कल It changing at the rate of 10 pi centimeter square per second. और ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था जो कि हमने सॉल्व किया।